हे गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्मार्ट स्पोर्ट रजत पे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं YouTube की ट्रैफिक सोर्स के बारे में। साथ में आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सा ट्रैफिक सोर्स से ज्यादा आप पैसे कमा सकते हो, वो भी आपको इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ट्रैफिक सोर्स में जाने के लिए हमको एप्लीकेशन को ओपन करना है, जो कि YT स्टूडियो नाम की ये एप्लीकेशन। आप प्ले स्टोर में ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके जीमेल अकाउंट से आप साइन इन कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। साइन इन करते ही यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो एप्लीकेशन ओपन हो गया है, तो सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पे मैंने सिंपली टैप कर दिया और यहाँ पर मैंने सिंपली यहाँ पर एनालिटिक्स में चला गया। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा जो एनालिटिक्स है, यहाँ पर मैं सिंपली टैप कर दिया है। एनालिटिक्स में जाने के बाद यहाँ पर मैं राइट साइड में यहाँ पर दिखाता हूँ आपको डिस्कवरी की जो ऑप्शन है, वहाँ पर देख सकते हैं डिस्कवरी पर यहाँ पर मैंने आ गया है। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं ट्रैफिक सोर्स टाइप, यानी कि कितने तरीके की ट्रैफिक सोर्स है यूट्यूब पर और कौन सी ट्रैफिक सोर्स से ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, वो भी इस वीडियो में बात करने वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सिंपली टैप कर देता हूँ ट्रैफिक सोर्स टाइप पर। यहाँ पर टैप करने के बाद देख सकते हैं मुझे यहाँ पर लास्ट 28 डेज की यहाँ पर ट्रैफिक सोर्स दिखा रहा है। तो सिंपली यहाँ पर मैं लास्ट लाइफ टाइम की मैं यहां पर शो करके दिखा रहा हूं, ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकूं और क्या क्या ट्रैफिक सोर्स कैसे काम करता है वो भी आपको समझा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब सर्च ट्रैफिक सोर्स की। ये सर्च ट्रैफिक सोर्स क्या होता है मैं आपको प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं। तो चलिए मैं यहां पर आपको यूट्यूब की एप्लीकेशन लेके ओपन कर देता हूं और यहां पर मैं दिखाता हूं यहां पर कुछ भी ऐसे कोई भी, यदि आप यूट्यूब के सर्च बार में कोई टाइप करके अपने वीडियो तक पहुंच के उस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो ट्रैफिक सोर्स आएगा वो सर्च ट्रैफिक सोर्स आएगा। साथ ही में आपको जो रेवेन्यू है वो काफ़ी ज़्यादा आपको मिलता है यदि कोई यूट्यूब में सर्च बार में टाइप करके आपके वीडियो देखता है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली टाइप कर लेता हूँ हाउ टू इंक्रीज इंप्रेशन ऑन यूट्यूब। तो सिंपली यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया। टाइप करने के बाद यहाँ से कोई भी जितने भी वीडियो यहाँ पर शो कर रहा है वहाँ पर कोई भी वीडियो को यदि मैं टैप करके उस वीडियो को देखता हूँ और यदि उस वीडियो में एड्स लगा होता है तो एड्स आने के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा दूसरे ट्रैफिक सोर्स के अलावा। इस तरह आप जो भी यूट्यूब के सर्च बार में जाके टाइप करके जो भी वीडियो देखते हैं उसके जो रेवेन्यू है थोड़ा ज़्यादा आपको मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ही यहाँ पर वीडियो एक रैंक कर रहा है। यहाँ पर मैं नीचे आपको दिखा दूँ ये वाला देख सकते हैं, ये मेरा वीडियो है हाउ टू इंक्रीज इंप्रेशन ऑन यूट्यूब। सो इस वीडियो में देख सकते हैं लास्ट 4 मंथ में पहले मैंने इस वीडियो को अपलोड की और 2200 लोग इस वीडियो को अभी तक देखा है। ये तो गया मैं यूट्यूब सर्च के बारे में। तो चलिए मैं आपको फिर से लेके आता हूं YT स्टूडियो में और यहां पर मैं बात करने वाला हूं अभी यूट्यूब सजेस्टेड वीडियोज। यहां पर देख सकते हैं मेरा सजेस्टेड 19.4% यहां पर शो कर रहा है। तो यहां पर जो मेरा सजेस्टेड है सबसे सेकंड नंबर पर यहां पर दिखाई दे रहा है। सबसे ज्यादा मुझे 58.1% मुझे यूट्यूब सर्च से आती है और इसके बाद यहां पर सजेस्टेड वीडियोस पर 19.4% मुझे मिल जाती है। तो सजेस्टेड वीडियो किससे कहा जाता है मैं आपको बता देता हूं। सो गाइस, YouTube के सर्च बार में मैंने कोई कीवर्ड मैंने टाइप किया और इसके बाद जो भी वीडियो मुझे दिखाई दिया यहां पर मैं कोई भी वीडियो को मैं यहां पर सिंपली टैप करके ओपन कर देता हूं, वीडियो को देख लेता हूं। गाइस YouTube इसको मैं पॉज कर देता हूँ और इसके नीचे जितने भी वीडियोस यहाँ पर शो कर रहा होगा देख सकते हैं ये वाला और इसके नीचे जितना भी वीडियोस दिखाई दे रहा होगा वो सभी का सभी सजेस्टेड वीडियो, यानी कि जिस वीडियो को ओपन करने के बाद उसके नीचे जितने भी वीडियोस दिखाई देगा वो सभी का सभी सजेस्टेड वीडियो। ये यूट्यूब सजेस्ट करता है कुछ वीडियोज़ जो कि आपके टॉपिक के रिलेटेड आपके जो कीवर्ड आपने टाइप किया था सर्च बार में उसके रिलेटेड यहाँ पर सजेस्टेड यहाँ पर शो करता है। तो आप देख सकते हैं मेरा ही वीडियो यहाँ पर सजेस्ट कर रहा है। इसके अलावा हम 3rd नंबर पर देखेंगे अदर यूट्यूब फीचर्स। अदर यूट्यूब फीचर्स क्या होता है, जो आप कई बार आपने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे वीडियो की लिंक देते हो प्रमोशन करने के लिए। कई कई बार हम लोग कहते हैं कि इसके रिलेटेड वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वाली वीडियो का लिंक है जाके आप देख सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक देते हैं तो वहां पर कोई टच करके या जो क्लिक करके उस वीडियो का यदि कोई देखता है तो यहां पर यूट्यूब क्या करता है जो ट्रैफिक सोर्स होता है वो दिखाई देता है अदर YouTube फीचर्स में। सो यहां पर मेरा 3rd नंबर पर यहां पर देख सकते हैं 8.2% मुझे अदर YouTube फीचर्स में मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह आप देख सकते हैं। इसके अलावा मैं बात करूं ब्राउज फीचर की, ब्राउज फीचर बहुत ही कमाल के फीचर्स है जो यहां पर देख सकते हैं।
7.4% मुझे इस चैनल पर ब्राउज फीचर के मदद से ट्रैफिक मिल रहा है। तो ब्राउज फीचर क्या होता है देख सकते हैं, यहाँ पर मैं बैक कर चले जाता हूँ और होम टैब में फिर से मैं ओपन कर देता हूँ। सो ब्राउज फीचर क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर देख सकते हैं जितने भी होम टैब में या होम टैब के अंदर जितने वीडियोज़ यहाँ पर शो कर रहा होगा वो सभी के सभी ब्राउज फीचर के तहत यहाँ पर शो कर रहा है। बेसिकली यूट्यूब की होम टैब में जो दिखाई देता है जितने भी वीडियोज़ वो आपके इंटरेस्ट बेस पर दिखाई देता है। तो आप इसको जितने भी आप इंटरेस्ट रखते हो जिस तरह के टॉपिक को या जिस तरह के चैनल को आप इंटरेस्ट रखते हो उसी चैनल के रिलेटेड वीडियोस यहां पर शो करेगी। ये बेसिकली यूट्यूब की ब्राउज फीचर में दिखाई देता है। तो चलिए मैं यहां पर बात कर लिया ब्राउज फीचर की। एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स वो होता है जो यूट्यूब के लिंक को कॉपी करके किसी वेबसाइट में आप एम्बेड की है या फिर आप व्हाट्सएप में आपने शेयर की है, फेसबुक में शेयर की है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप व्हाट्सएप में शेयर की है, व्हाट्सएप की ऐप के अंदर ही यदि कोई वीडियो ओपन होकर दिखा रहा है तो ये होता है एक्सटर्नल ट्रैफिक सोर्स। और इसके अलावा यहाँ पर डायरेक्ट और अननोन के सोर्स में मैं बात करूँ तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे करते हैं कोई वीडियो के लिंक को कॉपी कर देते हैं और यूट्यूब के सर्च बार में जाते हैं और सर्च बार में जाके यहाँ पर टाइप कर यहाँ पर वो लिंक को यहाँ पर क्या करते हैं यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद जो वीडियो देखते हैं जिसकी जो वीडियो देखने की जो ट्रैफिक सोर्स होगा वो क्या होता है डायरेक्ट एंड अननोन ट्रैफिक सोर्स होता है। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं प्लेलिस्ट, यानी कि आप प्लेलिस्ट से भी जो ट्रैफिक सोर्स होता है यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं YouTube एडवर्टाइजिंग बेसिकली आप एडवर्ड के थ्रू यदि आप किसी वीडियो को प्रमोशन की है तो यहाँ पर बेसिकली जो ट्रैफिक सोर्स होगा वो YouTube एडवर्टाइजिंग की ट्रैफिक सोर्स होगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं चैनल पेज की, चैनल पेज को क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं मैं यहाँ पर YouTube के चैनल पे आ गया है, यहाँ पर जितने भी वीडियोज यहाँ पर शो कर रहा है मुझे यहाँ से मैं कोई वीडियो को क्लिक करके देखता हूँ तो ये जो ट्रैफिक सोर्स मुझे मिलेगा वो यूट्यूब चैनल पेज के ट्रैफिक सोर्स मिलेगा। सो इसके अलावा मैं बात करता हूँ यूट्यूब प्लेलिस्ट की पेज में, प्लेलिस्ट बेसिकली मैंने देख सकते हैं यहाँ पर मैं राइट साइड में यहाँ पर जाऊँगा प्लेलिस्ट वीडियोस के राइट हैंड साइड में यदि मैं मूव करूँगा तो यहाँ पर जितने भी वीडियोस दिखाई देगा वो प्लेलिस्ट के थ्रू दिखाई देगा। यदि इस वीडियो प्लेलिस्ट में जाके क्लिक करके उस वीडियो के यदि आप देखते हो तो जो ट्रैफिक सोर्स मिलेगा प्लेलिस्ट पेज की ट्रैफिक सोर्स आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर नीचे देख सकते हो नोटिफिकेशन की ट्रैफिक सोर्स, नोटिफिकेशन की ट्रैफिक सोर्स आप देखा होगा कई बार आपने यूट्यूब के एप्लीकेशन के दौरान यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन। तो इस तरह के जितने भी वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कोई भी उस नोटिफिकेशन के थ्रू यदि आप कोई क्लिक करके वीडियो देखता है तो यहाँ पर जो ट्रैफिक सोर्स मिलेगा यूट्यूब नोटिफिकेशन के ट्रैफिक सोर्स आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करने वाला हूँ कि कौन से ट्रैफिक सोर्स से सबसे ज़्यादा पैसे आपको जनरेट होती है। बेसिकली यूट्यूब की सर्च ट्रैफिक से सबसे ज़्यादा पैसे जनरेट होती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर यूट्यूब सजेस्टेड पे भी आपके जो पैसे हैं वो ज़्यादा जनरेट होती है सेकेंड नंबर पर। थर्ड नंबर पर जो पैसा जनरेट होती है वो यूट्यूब अदर फ्यूचर्स, और इसी तरह आपके जो पैसे जनरेट होने का तरीका है सर आपको यूट्यूब सर्च बार में कोई टाइप करके आपके वीडियो रैंक हुए वीडियो के यदि क्लिक करके कोई देखता है तो उसके सबसे ज़्यादा आपको जो जनरेट होता है जिसका जो CPC आपको मिलता है उसका सबसे ज़्यादा पैसे मिलती है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा देना जिससे यूट्यूब की तरफ से हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो फिर भी नहीं लगे ऐसे ही मजेदार और हेल्पफुल वीडियो के साथ गुड बाय।